देयर विल बी 9 थियरी कोर्सेज, मतलब टोटल 9 थियरी सब्जेक्ट्स होंगे आपके, 5 इन द फर्स्ट ईयर एंड 4 अच्छा फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन. ये तो लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अच्छा शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य. वाह यार, मतलब अच्छे सब्जेक्ट्स है ये, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ रखा है. हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से हो गए. दोस्तों आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में एमएड का सिलेबस क्या होता है. मतलब आप एमएड जब अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है, कैसे बच्चे फेल होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे. मैं अभी क्या कर रहा था, मतलब मुझे ऐसे क्यूरियोसिटी हुई कि चलो जानने की कोशिश करते हैं कि एमएड में सब्जेक्ट्स क्या है. और यकीन मानिए मुझे लगता है कि अगर आप बीएड पढ़ने के तुरंत बाद, बीएड की अच्छी तैयारी करने के बाद एमएड का अगर एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो बहुत हद तक आप एटलीस्ट पासिंग मार्क तो कर ही लेंगे, क्योंकि बड़े मज़ेदार का सिलेबस मिला मुझे, मज़ा आ रहा था मुझे सिलेबस पढ़ के. तो मैंने कहा चलो ये सिलेबस को आपके साथ पढ़ते हैं. ठीक है, अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, स्टार्टिंग का ही पढ़ रहा था, तो फिर मुझे लगा कि अब आपके साथ इसको हम पढ़ेंगे. तो चलो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये सेटअप सही कर लेते हैं और फिर हम आज यहाँ पे एमएड का सिलेबस देखेंगे. कहाँ का, हम एमएड का सिलेबस देखेंगे अवध विश्वविद्यालय, यानी कि डॉक्टर आर एम एल यू राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन सिलेबस फॉर मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि एमएड का आज हम सिलेबस देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें सबसे पहले लिखा क्या है, इसको एक बार नज़र डाल लेते हैं. सो आप यहाँ देखेंगे अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद, ओके, ऑफर टू ईयर्स फुल टाइम मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि 2 साल का कोर्स है. इंडियन नेशनल एंड दोज फॉरेन नेशनल परमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परस्यू स्टडी इन इंडिया एज पर द रेगुलेशन इन सिलेबस. तो यहाँ पे जो लोग एमएड करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के परमिशन के बाद से आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, सिलेबस में क्या है बच्चों, द एडमिशन ऑफ द डिग्री मास्टर ऑफ एजुकेशन शैल बी ओपन टू अ कैंडिडेट हु आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसने ग्रेजुएशन के बाद से बीएड या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन स्टेट के द्वारा रिकग्नाइज विश्वविद्यालय से पास कर लिया हो, वो बच्चे यहाँ पे एमएड कर सकते हैं. इसके लिए पहली क्राइटेरिया क्या है कि आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट के बाद आपने बीएड किया हो. ठीक है, ओके, विच द एकेडमिक काउंसिलिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज द पर्पस, ओके, द एडमिशन टू दिस कोर्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. अब ये बड़ा अच्छी बात यहाँ पे लिखी है, यूनिवर्सिटी ये बताना चाहती है कि यहाँ पे आप कैसे एडमिशन पा सकते हैं. तो कह रहा है कि आप एडमिशन टू दिस कोर्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड बाई अवध यूनिवर्सिटी एमबेड एंट्रेंस एग्जाम्स, यानी कि अवध यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम्स कराती है और उस एंट्रेंस एग्जाम्स के मेरिट के आधार पे आप एमबेड में एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, तो चलिए ये मतलब वैसे बेसिक जानकारी है, यहाँ पे हम सबको जानना चाहिए. ठीक है, अच्छा क्या क्राइटेरिया, द कैंडिडेट हु हैज़ ऑब्टेंड एटलीस्ट 55% मार्क इन बी एड, मतलब जिसका बी एड में 55% मार्क है विल बी एलिजिबल टू दिस कोर्स, तो इस कोर्स में अप्लाई कर सकता है, इस कोर्स में वो फॉर्म भर सकता है और कुछ रिलैक्सेशंस है वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से. तो यहाँ तक बात हो गई. अब आइए बात कर लेते हैं अटेंडेंस के हिसाब से, यानी कि अटेंडेंस कह रहा है कि आपको 80% अटेंडेंस होने चाहिए थियरी पेपर में. तो इट मे बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू हैव 80% अटेंडेंस इन द थियरी पेपर्स ऑफ द कोर्स एंड कंप्लीट द सेशनल वर्क डिसर्टेशन टू बी अलाउड टू अपियर, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको प्रैक्टिकल देना है, साथ ही साथ आपको एटलीस्ट 80% का अटेंडेंस होना चाहिए कॉलेज में, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, वो कॉलेज वाले मैनेज कर लेते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है. अच्छा, यूनिवर्सिटी खुद कह रही है कि आपको मैक्सिमम 15% का बफर मिल सकता है आपको यहाँ पे अटेंडेंस में मैक्सिमम, लाइक अगर 80% डिमांड है तो 65% तो एटलीस्ट होना चाहिए, वो भी किसी कारणवश, ऐसा नहीं कि बिना मतलब के नहीं, किसी कारणवश आपके 65% अगर अटेंडेंस रहते हैं तो यू कैन इट्स फाइन, मतलब ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, चलो एग्ज़ाम तो एटलीस्ट दे सकते हैं. अब आइए अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन और रिजल्ट के बारे में, यूनिवर्सिटी क्या कहती है एमएड के लिए. तो कह रहा है कि टू पास द एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 36% इन द एक्यूरेट एंड द टोटल मार्क्स एटलीस्ट 30 थ्योरी पेपर. अब ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी की अगर आप एमएड एडमिशन लेते हैं, एमएड पढ़ाई करते हैं, तो पूरा ओवरऑल एमएड में आपके एटलीस्ट 36% होने चाहिए, अदरवाइज यू विल बी नोन एज द फेल.
और ईच सब्जेक्ट्स में आपको कंप्लीट 30% होना चाहिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 30% और ओवरऑल 36% होना चाहिए, तभी आप एमएड में पास माने जाएंगे, वरना आप क्या माने जाएंगे, आप एमएड में फेल माने जाएंगे। अब आइए, अब यहाँ पे कह रहा है कि कैसे डिवीजन डिवीजन यहाँ पे कैसे डिवीजन डिसाइड होता है। तो ये तो फर्स्ट डिवीजन अगर 60% से या उससे अधिक है तो फर्स्ट डिवीजन, और 48 से 60% है तो आप सेकंड डिवीजन, एंड इफ़ यू आर गेटिंग 36% एंड अबव सो यू विल बी जस्ट पास, यानी कि थर्ड डिवीजन आप हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और चीज़ें, फिर हम चलेंगे डायरेक्ट सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट्स के पहले देखिए क्या कह रहा है आपका विश्वविद्यालय कि अ कैंडिडेट हु फेल, अच्छा अगर कोई बच्चा कंपलसरी सब्जेक्ट्स या ऑप्शनल में थ्योरी पेपर में फेल हो सकता है या वाइवा में फेल हो जाता है, सो वो इंटायर एग्जाम्स में फेल माना जाएगा, विल बी ट्रीटेड एज अ फेल इन द इंटायर एग्जामिनेशन। ओके, However, the candidate can appear in the improvement examination back paper as per the university rule. फिर भी विद्यार्थी को एक मौका मिलेगा कि वो improvement paper या back paper दे के अपना result clear करा सकता है, लेकिन जब तक सारे subjects में उसे pass नहीं होता है उसे degree नहीं दी जाएगी। So he will be treated as a fail in the entire examinations. कैसे, अगर a candidate who fails in any compulsory or options theory paper, ठीक है, या वाइवा, एनी अगर किसी एक में फेल होते हैं, सो यू विल बी ट्रीटेड एज अ फेल, आपको क्या मिलेगा, बैक पेपर का मौका मिलेगा, वो आसानी से आप कर सकते हैं। अब आइए और विश्वविद्यालय क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ड्यूरिंग द एमएड कोर्स नोबडी विल बी अलाउड, ये देखना बहुत अच्छी बात है, विदाउट रिटन परमिशन ऑफ द वाइस चांसलर एनी फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब ऑक्यूपेशन वेयर सैलरी और हारमोनियम इज प्रोवाइडेड। कह रहा है कि मतलब आप सॉरी ऑनोरेरियम, तो कह रहा है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं एमएड के साथ साथ, तो आप वाइस चांसलर को एक लेटर लिखेंगे, वाइस चांसलर से परमिशन लेने के बाद से आप चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन और इनटेक की। तो दिस कोर्स इज अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम एज वेल द गवर्नमेंट एडेड स्कीम्स, एमएड प्रोग्राम शैल बी ड्यूरेशन ऑफ द टू एकेडमिक ईयर, ये तो बस नॉर्मल चीज़ है। फीस स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो फीस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, एनुअल फीस कोर्स शैल बी एज पर द रूल फ्रेम बाय गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, टाइम टू टाइम, ये डिपेंड करता है कि कब आप एडमिशन लेते हैं। बिसाइड दिस नॉर्मल फीस द यूनिवर्सिटी, देखो लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी ने कितने लिया था, आई थिंक 60,000 रुपीज़ लिया था, 60,000 मतलब 60,000, ये काफ़ी ज़्यादा लिया था पर ईयर, ये लास्ट टाइम लिया था यूनिवर्सिटी, इस बार कितना लेती है आई डोंट नो, बट हाँ ये फीस यूनिवर्सिटी ने लिया था लास्ट टाइम। ओके, तो ये हुआ फीस के बारे में, अब इस बार कितना लेता है आई डोंट नो। अब आइए बात कर लेते हैं, अब आप बात कर लेते हैं करिकुलम और प्रोग्राम, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे उसके बारे में दिया गया है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में दिया गया है। ओके, अब मेन हम आ जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब आइए करिकुलम थीरी, ओके यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर विल बी 9 थीरी कोर्सेज, मतलब टोटल 9 थीरी सब्जेक्ट्स होंगे आपके, 5 इन द फर्स्ट ईयर एंड 4 इन द सेकेंड ईयर, मतलब टोटल 9 पेपर आपको देना है, फर्स्ट ईयर में 5 रहेगा और सेकेंड ईयर में 4 रहेगा, अच्छी बात है। और क्या कह रहा है कि एंगेजमेंट विद द फील्ड प्रैक्टिकल, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल के बारे में बात की जा रही है, तो इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं। वाइबा 80 नंबर का होगा और सेकेंड ईयर में 60 नंबर का होगा, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट 100, तो अब अभी अभी वो समझ में आ जाएगा जब हम सब्जेक्ट देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स ऑफ द टू ईयर फ्रेमवर्क, फर्स्ट ईयर के बारे में इसीलिए मैं बात कर रहा था, हम यहाँ पे समझ जाएंगे। तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे बच्चों एमएड के फर्स्ट ईयर में, पहला है अच्छा फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये तो लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, यहाँ पे एमएड में दिया गया, और आप इसका सिलेबस देखिएगा, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का फिलोसफिकल और सोशोलॉजिकल मतलब दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य, तो शिक्षा का दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य आपके एमएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। 80 नंबर का थियरी पेपर होगा सेंटर पे जाके, जबकि कॉलेज की तरफ से 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। दूसरा साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अच्छा शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, वाह यार मतलब अच्छे सब्जेक्ट्स है, ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ रखा है, लेकिन हाँ एक और बात है कि आप शायद हो सकता है जब इसके अंदर की जो सिलेबस होती है ना उसमें कोई चीज़ें नहीं होंगी, कुछ और एक्सप्लेन करके दिया होगा। रिसर्च मेथड एंड स्टैटिक इन एजुकेशन, स्टैटिक्स इन एजुकेशन, रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ना है, शोध विधियाँ, स्टैटिक्स की हिंदी आई डोंट नो, सो स्टैटिक्स इन एजुकेशन,
स्टैटिक्स को सांख्यिकी शायद, हाँ स्टैटिक्स ऑफ इन एजुकेशन। ओके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, वाओ 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 अच्छा सब्जेक्ट है ना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी आपका चौथा पेपर है और पांचवा एक ऑप्शनल कोर्स है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। तो ये हो गई बात, तो आपके पांच सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, पांचों में। अभी ये बड़ा मज़ा आएगा देखने की एमएड में फिलोसफिकल और सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव में क्या पढ़ाया जाएगा और सोशोलॉजिकल आईसीटी में क्या, मतलब मज़ा आएगा मतलब देख के, वाओ। चलिए अब यहाँ पे अगर बात कर लें हम आपके वाइवा की सेमिनार की, वाइवा और सेमिनार की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। उसमें क्या लिखा कि आपका टोटल 400 नंबर का, मतलब पांच पेपर होगा तो 80 नंबर का वहाँ पे होगा, 20 नंबर 10 नंबर 10 20 20 यहाँ पे 100 नंबर मिल जाएगा, यानी टोटल 500 नंबर का आपका थियरी पेपर होगा, 500 नंबर का पेपर होगा। और आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 नंबर यहाँ पे, 100 नंबर यहाँ पे आपके वाइवास और प्रैक्टिकल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर की बात कर ले तो सेकेंड ईयर में आपके चार सब्जेक्ट्स जैसे बताया गया था। पहला है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशन, मापन और मूल्यांकन शिक्षा में, मापन और मूल्यांकन, हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष, और टीचर एजुकेशन यानी कि शिक्षण क्या कहते हैं, टीचर एजुकेशन को आप कह सकते हैं शिक्षक शिक्षा शिक्षक मतलब टीचर एजुकेशन हिंदी रहने देते हैं, शैक्षिक शिक्षा ऐसे कह सकते हैं। और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहेगा, इसमें भी 80-80 नंबर का, यानी कि टोटल आपके 400 नंबर का पेपर है और 100 नंबर 130 200 नंबर का प्रैक्टिकल, यहाँ पे प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो 200 नंबर का। ठीक है, तो ये हो गई बात सेकेंड ईयर की। तो क्या करें, इस वीडियो को समाप्त किया जाए या फिर चलिए देखा जाए कि आखिर पढ़ना क्या है आपके फिलोसफिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन में। कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स वही बात की जा रही है, फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न की, तो इसमें वो डिटेल्स जाना नहीं है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत अच्छी बात है, कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन ऑफ राइटिंग द एग्जामिनेशन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश मीडियम, सो देर इज नो बाउंडेशन दैट इट्स अप टू यू इफ यू वांट राइट इन इंग्लिश इफ यू वांट राइट ऑन हिंदी, जो भी हो मैं बस लिख सकते हैं। मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपसे अंग्रेजी की तरह बात करूँ, बट एटलीस्ट आई कैन। Okay, so the external examiner will be appointed by the university from the list provided beyond a board of studies. इन और ये प्रैक्टिकल के बारे में बात की हमें उससे मतलब नहीं, कॉलेज वाले देखे। अब आ जाइए फर्स्ट ईयर का जो पहला सब्जेक्ट था, मुझे बहुत खुशी होगी देख के कि आखिर है क्या। तो एमएड फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, सो एमएड फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, पहला सब्जेक्ट फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आपका पहला है, पहला यूनिट है एजुकेशनल एंड फिलॉसफी, मतलब शिक्षा और दर्शन। ओके, ये तो बिल्कुल काफ़ी सिमिलर है ना, मतलब बीएड का जो सिलेबस था उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है कि शिक्षा और दर्शन का कॉन्सेप्ट बताइए और इसकी नेचर बताइए, मतलब एजुकेशन का मीनिंग नेचर और कॉन्सेप्ट। ओके दैट्स गुड वन, मतलब शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है और शिक्षा की अवधारणा क्या है, ये आपका पहला पॉइंट है। और फिलॉसफी से आप क्या समझते हैं दूसरा पॉइंट है, और शिक्षा और फिलॉसफी में संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। मज़ा आ गया ना, मतलब अच्छा है यार, अच्छा है, मज़ा आएगा आगे देख के। चलिए अगला है बच्चों, फंक्शन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, स्पेकुलेटिव नॉर्मेटिव एनालिटिक, ये लॉजिकल एम्प्रिसिज्म पॉजिटिव, ये थोड़ा सा नया है, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि बीएड में नहीं पढ़ा गया था, यहाँ पे देखना पड़ेगा। और अब मैंने भी कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में, मैं स्टार्ट करूँगा, हालांकि मुझे एमएड का पेपर नहीं देना, मगर मेरा दिल कर रहा था कि इसको पढ़ें, ये वाला पढ़ना पड़ेगा, कुछ नया है। ठीक है, आप बुक लेके आएंगे फिर पढ़ा जाएगा, तो फिर साथ में इसको पढ़ा जाएगा। चलिए, आपका पहले सब्जेक्ट्स का दूसरा यूनिट क्या है बच्चों, पहले सब्जेक्ट का आपका दूसरा यूनिट देख लेते हैं, फंडामेंटल फिलोसफिकल इश्यूज। ओके, ये भी नया है। ओके, ये क्या है, मेटाफिजिकल एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजिकल इश्यूज, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये चार तो हमने पढ़ा है बीएड में। दूसरा ह्यूमनिज्म, एक्सेंशनलिज्म और क्या है भाई, मार्क्सिज्म विद स्पेशल रेफरेंस, और ये नया है, मतलब इसको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। हमने ये चार तो पढ़ा है बच्चों, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, लेकिन ये ह्यूमनिज्म का मतलब शायद मनुवाद हो या फिर ऐसे कुछ होगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब आई डोंट नो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म का मतलब नहीं पता है। तो ये तीन पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो लेट्स सी क्या करते हैं, पढ़ा जाए, साथ देंगे आप लोग, अच्छा चलो इसको पढ़ेंगे आखिर, सब भाई पढ़ना तो है ना, देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, अगले दो चार वीडियो में देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा मतलब। तो ये है, नया है, मतलब अच्छा है, मज़ा आ गया, आई लाइक इट।
ओके, तीसरा यूनिट है बच्चों आपका इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ओके, अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी एज कंटेन द फॉलोइंग एंड देयर एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये जो जैसे वेदांत, सनाक्य, ओके, श्रीमद् भगवद गीता। ओ यार, ये बुक ऑर्डर करना पड़ेगा, मतलब डेफिनेटली इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है ना एमएड में। कि वेदांत, शिक्षा, दर्शन तो हमने पढ़ा है, सांख्य नहीं पढ़ा है हमने, श्रीमद् भगवद गीता और शिक्षा दर्शन, मतलब मज़ा आने वाला है। और जैनिज्म, जैनिज्म नहीं पढ़ा है बट दूसरे विश्वविद्यालय में रहता है। बुद्धिज्म तो ठीक है, बुद्धिज्म एजुकेशन के बारे में। और इस्लामिक ट्रेडिशंस, मतलब मुस्लिम कालीन में कैसे शिक्षा होती थी, उसका इतिहास क्या था, ये वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये देखने को मज़ा आएगा पढ़ने में, जब अगर बुक्स कभी हम खरीदते हैं तो, कि श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा शिक्षा के बारे में कैसे क्या कहा गया है, आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या किताबें हैं उसमें, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। चौथा यूनिट है बच्चों एजुकेशनल थॉट ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर। अच्छा, जो भारत के ग्रेट फिलोसोफर रहे हैं इंडियन, और जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं उनके थॉट क्या है शिक्षा के बारे में, जैसे स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में उनकी थॉट क्या है, उनका योगदान क्या है, महात्मा गांधी जी, श्री अरविंदो जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी और जे कृष्णमूर्ति, इन लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार रहे हैं, मतलब शिक्षा दर्शन। ठीक है, आप कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन, महात्मा गांधी का शिक्षा नंदर, श्री अरविंदो जी का शिक्षा दर्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा दर्शन और जे कृष्णमूर्ति जी का शिक्षा दर्शन, आपको ये पढ़ना है इस यूनिट में। और ठीक वैसे ही बच्चों वेस्टर्न फिलोसोफर में आपके पास प्लूटो हैं, जॉन डेवी हैं, और ये कौन से रूसेसियो, और ये क्या पॉलो फ्रेर, तो ये लोग हैं वेस्टर्न फिलोसोफर में, इनकी शिक्षा दर्शन पढ़नी है। ये मैंने पढ़ा नहीं, कभी नहीं पढ़ा ये वाला पॉइंट, ये तो कभी नहीं पढ़ा। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो जी को थोड़ा बहुत हम रविन्द्रनाथ टैगोर जानते हैं, ये कृष्णमूर्ति जी को हमने नहीं पढ़ाया, बट हाँ देखा जाएगा। तो चलिए, आपके चार यूनिट हैं इस सब्जेक्ट्स में, और लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट्स में, वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ लाइफ। फॉर्मेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ लाइफ, जीवन के संबंध में, मतलब जीवन के फॉर्मेट में, विकास में क्या है फिलॉसफी, ये सब देखना पड़ेगा। वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, काइंड्स, नीड्स, इम्पोर्टेंस, मेथड एंड इंक्लूड, क्या है इन, वो मेरे चश्मा काम नहीं कर रहा, चश्मा है ही नहीं, इनकलकेटिंग वैल्यूज़, ह्यूमन राइट एजुकेशन, पीस एजुकेशन, रोल ऑफ कल्चर एंड रिलीजन इन आर्ट ऑफ लिविंग विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन परस्पेक्टिव्स, तो ये आपका पढ़ना है। देखो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो को ये ख़त्म करते हैं, बाकी देखा जाएगा। अच्छा वैसे मज़ा आएगा ये भी देखने में, एक अलग वीडियो में देखेंगे, शायद लंबा होगा तो आप लोग भी कहोगे कि ये थक जा रहे होगा। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, पार्ट बी, सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव, ओके सही है। तो अभी तक इस यूनिट का पार्ट ये था, यहाँ पे हम फिलोसफिकल परस्पेक्टिव देख रहे थे, इसके बाद से हमारा सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव भी है, सोशोलॉजी क्या होती है, एजुकेशन कल्चर और सोशल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, एजुकेशन, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंजेस, मॉडर्नाइजेशंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, इम्पॉर्टेंस एंड कंसर्न ऑफ इश्यूज इन एजुकेशन, कि शिक्षा में क्या कंसर्न, चिंता रहती हैं, उनका महत्व क्या है, क्या समस्या रहती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और अगला पॉइंट है इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर एजुकेशन, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को लेकर प्रोविजन है उसको संबंधित कुछ अगर इश्यूज है तो उसके बारे में देखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बस देख लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर फिलोसफिकल परस्पेक्टिव, क्योंकि ये फिलोसफी से जुड़ा हुआ है, बस इसको देख के फिर फिनिश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, मतलब एक एक सब्जेक्ट को अलग अलग यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो बस ऐसे इंट्रोडक्शन था, तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा चलो आपके साथ मिलके पढ़ते हैं, पता नहीं क्या थोड़ा सा कनेक्शन सा हो गया। ठीक है, मतलब पढ़ने का मन करता है तो चलो भाई यहाँ पे आ जाते हैं, आपके साथ पढ़ लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हम आपको पता ना, हम देख रहे हैं कि एमएड का सिलेबस देख रहे हैं, अवध विश्वविद्यालय का। तो पहला था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन, हाँ साइकोलॉजिकल बेस देखना था शिक्षा का, तो एजुकेशन साइकोलॉजी कंसेप्ट, कंसर्न, स्कोप, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये तो वही सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ रखा है, कि शिक्षा मनोविज्ञान का अवधारणा, उसके कंसर्न, चिंताएं, उसके क्षेत्र, और एजुकेशन शिक्षा शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है। ठीक है, मेजर स्कूल साइकोलॉजी एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, एजुकेशन स्ट्रक्चरलिज्म और एसोसिएशनिज्म, बिहेवियरिज्म, गैस्टल, साइकोएनालिटिक, ह्यूमैनिटिक एंड कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव। ओ वाह यार, मतलब पढ़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है,
सारी चीज़ें पढ़ने वाली चीज़ें। इसमें बीएड में आपने कॉग्निटिव पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपने बिहेवियरिज्म पढ़ा होगा, बट ये सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत बढ़ बढ़ के यहाँ पे जितने भी थे ना हमारे, लियो वाइगोत्स्की हो गए हैं, जीन पियाजे हो गए हैं, कोहलबर्ग हो गए, इनके थीरीज दबा के इसमें मिलने वाले हैं। दूसरा आपका यूनिट क्या है, दूसरा है चाइल्ड डेवलपमेंट इट्स थीरी, मतलब बच्चों के डेवलपमेंट में उनके विकास के क्या सिद्धांत हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल सिक्वेंशियल स्टेज डेवलपमेंट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ ईच स्टेज, ईच स्टेज चाहे वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसमें क्या स्पेसिफिक विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में जानना है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट की विकास में कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जेनेटिक चीज़ें क्या हैं, बायोलॉजिकल क्या है, इन्वायरमेंटल चीज़ें क्या हैं, फिजिकल क्या है, और उनके रिलेटिव का क्या रोल है, ये सारी एंड देयर रिलेटिव रोल, इसके संबंध में इनका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें जानना है। थीरीज ऑफ डिवेलपमेंट, ये यही इसी की मैं बात कर रहा था कि जो विकास के प्रमुख सिद्धांत है, जैसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और ये है फेरेट के साइको एनालिटिक का सिद्धांत, एरिक्सन के साइको सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत, कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट सिद्धांत, तो इसके बारे में जानना है। मैं पर्सनली अगर जीन पियाजे और हमने कोहलबर्ग दो को पढ़ा है, इनको तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं आपकी खातिर। ओके, आपका तीसरा यूनिट है बच्चों लर्निंग, यानी कि अधिगम, लर्निंग अधिगम के प्रकार क्या होते हैं और इसके क्या लेवल्स ऑफ लर्निंग होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, थीरी ऑफ लर्निंग, अच्छा क्लासिकल कंडीशनिंग थिंग पावलो का वो कुत्ते वाला, ऑपरेशन कंडीशनिंग थीरी स्किनर वाला यानी कि वो कबूतर वाला, ओके, और ये इनसाइड थीरी, अच्छा चिंपैंजी वाला जो उन्होंने केले वाला और वो जो नहीं क्या था केला और डंडी लेके कराया था, वो आपको पढ़ना है। ये हल का थीरी मैंने नहीं पढ़ा है, लेविन का थीरी हमने नहीं पढ़ा है, और टॉलमैन का थीरी ये हमने सीटेट के टाइम पढ़ा था बट अभी ध्यान नहीं आ रहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग, मास्टरी लर्निंग, ये इसको भी पढ़ा नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ना है। एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थीरीज ऑफ लर्निंग, तो जो भी ये हैं उसको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला है भाई, अगला ये क्या है यूनिट है, ग्रुप डायनेमिक एंड इंटेलिजेंस इन क्रिएटिविटी, तो ग्रुप डायनेमिक्स में इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी की ये सारे पॉइंट्स है। चलो यार इसको इतना देखना नहीं है, ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, ये पर्सनालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ईस्टर्न इंडियन एंड वेस्टर्न डेवलपमेंट स्ट्रक्चर डायनेमिक पर्सनालिटी थीरीज पर्सनालिटी एलपोर्ट, ये पर काफ़ी थीरीज यार, मतलब लगता है इस बुक को ऑर्डर करना पड़ेगा। तो चलो फिर ठीक है पढ़ेंगे, यही सारी चीज़ें पढ़ा जाएगा। तो हमने दो सब्जेक्ट्स तो देख ही लिया, तीसरा क्या था रिसर्च, ये तो बिल्कुल नया होगा मेरे लिए क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो तीसरा आपका सब्जेक्ट है कि रिसर्च मेथड एंड स्टैटिक इन एजुकेशन, द नेचर नीड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक शोध जो होते हैं उसके प्रकृति आवश्यकता क्लासिफिकेशन क्या है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक रिसर्च के कितने मेथड्स होते हैं, हाउ टू डेवलप रिसर्च प्रपोजल, कैसे डेवलप, द वेरियस टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग, वेरियस टाइप्स टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करने की कैसे कैसे टाइप्स और टूल्स होते हैं, स्टैटिक्स टेक्निक ऑफ द एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है ना कि हाँ ये सारी चीज़ें जानना चाहिए, मतलब अच्छी चीज़ है ना कि सोचो कि रिसर्च के बारे में हमें पढ़ना है कि डाटा कैसे हम कलेक्ट करेंगे, कितने टाइप्स के डाटा कलेक्ट करने के टाइप्स होते हैं, कितने टूल्स होते हैं, बड़ा अच्छा चीज़ है यार, मतलब अगर एक अच्छा टीचर पढ़ाए तो बड़ा मज़ा आएगा यार। मैंने भी पढ़ा नहीं, मेरी बहुत ख्वाहिश है मतलब कि ये चीज़ों को पढ़ा जाए यार। चलिए एजुकेशनल रिसर्च कॉन्सेप्चुअल इशूज़, अब भाई जब रिसर्च होगा तो उसके कुछ इश्यूज आएंगे उसके बारे में, पहले तो एजुकेशनल रिसर्च की मीनिंग आपको पढ़ना है, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र, उसकी आवश्यकता, उसका पर्पस, उद्देश्य, और एजुकेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिसर्च फंडामेंटल अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी प्रॉब्लम को लेके एजुकेशन सिस्टम अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले आप उसको एक्शन रिसर्च करते हैं, मतलब आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसको फिर उसको लागू करते हैं, तो एक्शन रिसर्च तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्रियात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय संबंधित कमियों का वैज्ञानिक हल निकालना एजुकेशन रिसर्च कहलाता है, बहुत शॉर्ट कर बात करके। रिसर्च पैराडिग्म्स इन एजुकेशन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको रिसर्च इसके बारे में कुछ होगा नहीं तो मैं क्या ही बताऊँ। चलिए ओके, फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फॉर्म करता है, ये कुछ टूल्स होंगे पढ़ाने का, अच्छा होगा जब इसको पढ़ा जाएगा तब समझ में आएगा। क्राइटेरिया एंड सोर्स ऑफ आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, करेक्टिस्टी ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, ये भी बात सही है। तो ये सारी चीज़ें ये इसीलिए तो एम्बेड में रखा गया है,
डेवलप में सॉरी डेवलपिंग डेवलपिंग स्पेलिंग सही है ना, डेवलपिंग एजम्पशंस एंड हाइपोथिस. ओके, हाइपोथिस और एजम्पशंस कैसे कर सकते हैं, सैम्पलिंग और मेजर अप्रोचेस. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों आपके, आपका पूरा आपका पढ़ना है. चलिए, बाकी कुछ आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए होंगे, तो हम इस वीडियो को यहाँ ये भी देख लेते, चलो यार देख लेते वरना बुरा मान जाएगा. चलो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ICT, मतलब शैक्षिक तकनीकी एंड ICT. देखिए एमएड में क्या क्या चीज़ें हैं. अच्छा, पहला पॉइंट तो हमारा यही है, शैक्षिक तकनीकी के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर, स्कोप, अप्रोचेस, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सिस्टम अप्रोच, फॉर्म ऑफ एजुकेशन, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन, बिहेवियर. अच्छा, यहाँ तक अगर कोई बच्चा एमएड कर रहा है ना, तो यहाँ तक की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी. अभी मैं वही बना रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स हमने बना रखे हैं बीएड में आपने पढ़ रखा है. टेक एनालिसिस, डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी सच एज लेक्चर, टीम टीचिंग, डिस्कस सेमिनार, ट्यूटोरियल, ये आपको पढ़ना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में. मतलब बीएड से काफ़ी काफ़ी रिलेटेड है ना, मतलब. अच्छा, नेक्स्ट टीचिंग टेक्नोलॉजी. अच्छा, टीचिंग टेक्नोलॉजी भी लेवल सही है, मतलब वही चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आ रही हैं. टीचिंग टीचिंग का मतलब क्या होता है, स्टेज ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव, पोस्ट एक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग मतलब मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, टीचिंग स्ट्रैटेजीज. टीचिंग स्ट्रैटेजी एक नया है, हालांकि दूसरे विश्वविद्यालय में भी है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ये. क्या क्या स्ट्रैटेजी होते हैं टीचिंग करने के समय, उसके बारे में पढ़ना है. मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ना है आपको, ठीक है. ग्लासर बेसिक टीचिंग मॉडल, बर्नर्स कॉन्सेप्ट, इंटीमेटन मॉडल, ऑसू बेल एडवांस, और ये है फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस. ये कुछ आपको थीरीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है. मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इन ET एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मतलब मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी अप्रोच इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये आपको पढ़ना है. इसमें आपका कैलर प्लान है, माइक्रो टीचिंग, कोऑपरेटिव एंड ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंडेड लर्निंग हमने पढ़ा था, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग में मुझे ध्यान नहीं आ रहा यार, बट हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में. प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ऑरिजिन एंड टाइप्स, लीनियर ब्रांचिंग मैथमेटिक्स, इमर्जिंग ट्रेंड इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. अच्छा, इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो नई नई चीज़ें शामिल हो रही है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में पढ़ना है. जैसे कि फॉर्मल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इनफॉर्मल, नॉन फॉर इनफॉर्मल, ओपन लर्निंग सिस्टम, डिस्टेंस एजुकेशन, मल्टी मीडिया अप्रोच, ये सारे के बच्चे CIET, UGC, IGNOU, NIS, ये सब अच्छा है. मतलब ओवरऑल बहुत मज़ेदार पूरा है अपना एमएड. ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं. इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है आपको, ICT के बारे में पढ़ना है, ठीक है. मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एडवांटेज, कम्युनिकेशन एंड टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, और कुछ आपको LAN, WAN, इंटरनेट, ईमेल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ना है. सो पढ़ेंगे भाई, वैसे भी हमें कौन सा एमएड का एग्ज़ाम देना है, आपको MS Word, MS PowerPoint, MS Excel के बारे में पढ़ना है, ठीक है. सो ये था टोटल ओवरऑल एमएड का सिलेबस. मुझे खुशी हुई, मैं सिर्फ पढ़ रहा था, मैंने कहा चलो यार आपके साथ पढ़ते हैं, आपको भी जानना चाहिए. अच्छा, ये लेटेस्ट जो आपके विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे आपका सिलेबस है ना, मैंने वहाँ से ये डाउनलोड किया था, मैं आपको भी दिखा दूँ, अगर आप भी डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा. तो ये आपके विश्वविद्यालय की तरफ से जो था, आप देखेंगे यहाँ पे मास्टर ऑफ एजुकेशन, तो मैंने यहाँ से डाउनलोड करा था, ठीक है. तो आप भी चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका वो जो मैं PDF बता रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी. तो यही वो सिलेबस था, ठीक है. तो ये था आपका एमएड का. बाकी कैसा लगा आपको एमएड का सिलेबस, कितने लोग एमएड करने जा रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, मैं आशा करता हूँ. सो जो लोग एमएड करने जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो एमएड कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को. चैनल से जुड़े रहिए, मुझे एग्ज़ाम तो नहीं देना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को पढ़ूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा सिलेबस, तो कोशिश करेंगे इस चीज़ को पढ़ा जाए. सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आगे होगी और बातें और चलती रहेगी पढ़ाई अपनी. जुड़े रहिए चैनल से, अगर आपको पसंद आ रही है चीज़ें तो बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सिलेबस के साथ. बाकी आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं किस पे वीडियोज़ बनाऊँ, किस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, मुझे खुशी हुई उसको बनाने में. सो कमेंट में अपनी राय जरूर दें. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मेरा और आपका साथ यहीं तक है, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, जुदाई बर्दाश्त कर लीजिए. बाटिया, मैं ही तेरी जुदाई बर्दाश्त कर लूँगा, मालिक मैं आपके बगैर नहीं रह सकता. चलो ओके, डांडिया, बाय बाय, बाय एवरीवन, गुड नाइट, सब बखैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत.